Hi students, my name is Faiz Shakir. Welcome to first lesson of your history, the rise of nationalism in Europe. Europe में राष्ट्रवाद का उदय. बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग सेक्शन 3.1 को डिस्कस करेंगे. The romantic imagination and national feeling. सेक्शन को स्टार्ट करने से पहले एक टर्म जो कि इस सेक्शन में इस्तेमाल होगा, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है, रोमांटिसिज्म, उसको समझ लेते हैं कि रोमांटिसिज्म किसको कहते हैं. तो आप देखेंगे कि रोमांटिसिज्म जो है वह एक कल्चरल मूवमेंट था, एक सांस्कृतिक आंदोलन था, जिसमें जो है इमोशन पर ज्यादा ध्यान दिया जाता था, ज्यादा जोर दिया जाता था. आप देखेंगे कि उस दौर के जो कवि थे, उस दौर के जो लेखक थे, वह जो है इमोशंस पर, भावनाओं पर, फीलिंग्स पर, जज्बात पर वह ज़्यादा ध्यान देते थे. लॉजिक से, रीजन से उनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं होता था, कोई लिंक नहीं होता था. तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि रोमांटिसिज्म किसको कहते हैं या रोमांटिक फीलिंग्स किसको कहते हैं. तो जब हम रोमांटिक फीलिंग्स कहते हैं तो इसका मतलब है कि जज्बात पर, इमोशंस पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है. चलिए अब स्टार्ट करते हैं. द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म डिडंट कम अबाउट ओनली थ्रू वार्स एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशन. कहता है क्या, नेशनलिज्म का डेवलपमेंट जो है वह केवल जंग और क्षेत्रीय विस्तार से नहीं हुआ है. कल्चर प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ द नेशन. कहता है कि कल्चर ने जो है एक बहुत ही अहम रोल प्ले किया है जो है नेशन के डेवलपमेंट में, नेशन के आइडिया को क्रिएट करने में कल्चर का एक बड़ा योगदान है. यानी कहने का मतलब, नेशनलिज्म जो है वह सिर्फ जंग से और किसी एरिया को जीत लेने भर से जो है नेशनलिज्म का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, बल्कि कल्चर का भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है. कल्चर ने जो है वह राष्ट्र के आइडिया को एक कंक्रीट फॉर्म देने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है. आर्ट एंड पोइट्री, स्टोरीज एंड म्यूजिक हेल्प्ड एक्सप्रेस एंड शेप नेशनलिस्ट फीलिंग्स. कहता है कि आर्ट ने, पोइट्री ने, स्टोरीज और म्यूजिक ने जो है नेशनलिस्ट फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है. लेट अस लुक एट रोमांटिसिज्म. कहता है कि चलिए अब रोमांटिसिज्म की तरफ, रोमांटिसिज्म को देखते हैं. यानी कहने का मतलब, रोमांटिसिज्म को समझते हैं कि रोमांटिसिज्म क्या था. अ कल्चरल मूवमेंट विच साउट टू डेवलप अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट. कहता है कि रोमांटिसिज्म जो है वह एक कल्चरल मूवमेंट था जो कि एक खास तरह के राष्ट्रवाद को डेवलप करने की कोशिश कर रहा था. रोमांटिक आर्टिस्ट्स एंड पोएट्स जनरली क्रिटिसाइज्ड द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस एंड फोकस्ड इंस्टीड ऑन इमोशंस, इंट्यूशन एंड मिस्टिकल फीलिंग्स. कहता है क्या कि जो रोमांटिक आर्टिस्ट्स थे, जो पोएट्स थे, आप देखेंगे कि वे लोग जो है वह रीजन्स और साइंस को क्रिटिसाइज करते थे, उसकी आलोचना करते थे. मतलब आप देखेंगे कि उनका ये मानना था कि जो है हम लोगों को इमोशंस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, फीलिंग्स पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, लॉजिक और साइंस के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए. कहता है कि वे जो है भावनाओं पर जो है आप देखेंगे कि इंट्यूशन और मिस्टिकल फीलिंग्स, मतलब रहस्यवादी जो फीलिंग्स हैं, उन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे. देयर एफर्ट वाज टू क्रिएट अ सेंस ऑफ अ शेयर्ड कॉलेक्टिव हेरिटेज, अ कॉमन कल्चरल पास्ट एज द बेसिस ऑफ अ नेशन. कहता है कि अब देखेंगे कि उनकी कोशिश थी कि जो देश जो बनाया जाए उनमें तमाम लोगों का, मतलब देश के अंदर जितने भी लोग हैं सबकी जो है वह साझी विरासत हो, उनका कल्चरल पास्ट जो है वह सेम हो. यानी कहने का मतलब, जो कॉलेक्टिव हेरिटेज
और कॉमन कल्चरल पास्ट जो है वो किसी भी देश का आधार हो, ये रोमांटिक पोएट्स का या जो रोमांटिक जो राइटर्स जो थे उनका ये मानना था। तो अभी तक जो हमने पढ़ा वह हमने पढ़ा कि आप देखेंगे कि सिर्फ जंग या फिर जो है टेरिटोरियल एक्सपेंशन जो है उसका योगदान नहीं था नेशनलिज्म के डेवलपमेंट में, बल्कि आप देखेंगे कि कल्चर का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल था। फिर हमने पढ़ा कि रोमांटिसिज्म क्या है, तो रोमांटिसिज्म एक कल्चरल मूवमेंट था जिसमें एक खास तरह के राष्ट्रवाद को, एक खास तरह के नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को डेवलप करने की कोशिश की गई। जो रोमांटिक आर्टिस्ट थे या पोएट्स थे वह रीजन्स और साइंस के ग्लोरिफिकेशन को जो है क्रिटिसाइज करते थे, उसकी आलोचना करते थे, उसके जगह वह इमोशंस, इंट्यूशन और माइस्टिकल फीलिंग्स पर ज़्यादा उनका जोर होता था। उनका मानना था कि कॉलेक्टिव हेरिटेज और कॉमन कल्चरल पास्ट जो है वह किसी भी देश का आधार होना चाहिए। अदर रोमांटिक्स सच एज द जर्मन फिलोसफर जोहान गॉट फ्राइड हेडर 1744 to 1803 क्लेम्ड डैट ट्रू जर्मन कल्चर वाज टू बी डिस्कवर्ड अमंग द कॉमन पीपल दास वोल्क। कहता है कि अब देखेंगे कि एक और रोमांटिक फिलोसफर थे, एक रोमांटिक जर्मन फिलोसफर थे जिनका नाम था जोहान गॉट फ्राइड हैडर। इनकी पैदाइश 1744 में हुई थी, डेथ 1803 में इनका हुआ था। इनका यह मानना था कि जो जर्मनी के जो आम लोग हैं उनकी जो संस्कृति है, उनका जो कल्चर है, वही जर्मनी का कल्चर है। मतलब आम लोगों का कल्चर ही जो है वह जर्मनी का कल्चर है। इट वाज थ्रू फॉल्क सॉन्ग्स, फॉल्क पोएट्री एंड फॉल्क डांसेज डैट द ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन वाज पॉपुलराइज। उनका ये मानना था कि जो लोक गीत हैं या जो जन काव्य हैं, मतलब फॉल्क पोएट्री का मतलब जो लोगों की जो पोएट्री है, जो फॉल्क डांसेज हैं, जो लोक नृत्य हैं, अगर इनके जरिए से जो है नेशनलिज्म को डेवलप करने की कोशिश की जाए तो ये बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। सो कलेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग दिस फॉर्म्स ऑफ फोल्क कल्चर वाज एसेंशियल टू द प्रोजेक्ट ऑफ नेशन बिल्डिंग्स। तो उनका ये मानना था कि ये जो फॉल्क सॉन्ग्स हैं या फॉल्क पोएट्रीज हैं या फॉल्क डांसेज हैं, इनको जो है जो कि लगभग विलुप्त हो चुके हैं, इनको फिर से रिकलेक्ट करने की ज़रूरत है। अगर ताकि जो है इनके जरिए से, मतलब जो फॉल्क कल्चर हैं, जो फॉल्क जो है, अगर इनको फिर से रिकॉर्ड किया जाए तो ये जो है नेशन बिल्डिंग में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो इतनी बात समझ में आ गई कि जोहान गॉट फ्राइड हेडर जो है ये एक जर्मन फिलोसोफर थे। इनकी पैदाइश 1744 में हुई थी, डेथ 1803 में हुआ था। इनका ये मानना था कि जो जर्मनी के आम लोगों का जो कल्चर जो है वही जर्मनी का कल्चर है। इनका ये मानना था कि जो फॉल्क सॉन्ग्स हैं, फॉल्क पोएट्री है, फॉल्क सॉन्ग्स मतलब लोकगीत, फॉल्क पोएट्री का मतलब जन काव्य, पोएट्री को काव्य कहते हैं, और फॉल्क डांसेज मतलब लोक नृत्य जो है ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं नेशन स्टेट को बनाने में। उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, समझ में आया होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि जब आप वीडियो देखें तो साथ में किताब लेकर बैठें, अच्छे तरीके से बात समझ में आएगी। अगले वीडियो में हम लोग इसी सेक्शन को 3.1 को कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डेट्स ऑल।